आईपीएल सीजन 14 में महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग के प्रदर्शन को देखकर एक गाना जहन में आता है और वो गाने की चंद लाइनें मैं गुनगुनाना चाहूंगा आपके सामने कि यहाँ के हम सिकंदर जिसको चाहे रख ले अपने जेब के अंदर, हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। और महेंद्र सिंह धोनी मुझे लग रहा है पॉइंट टैली के टॉप पर पहुंचकर ये गाना जरूर गुनगुना रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं खेल नीति और हमारे साथ हैं निखिल चोपड़ा जो आईपीएल में लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के। इनसे हम बातचीत आज करेंगे चेन्नई सुपर किंग की एक और चैंपियन वाली जीत पर, साथ ही बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह की शानदार पारी खेली, बिना छक्का लगाए उन्होंने 75 रनों की पारी खेली, वो बने मैन ऑफ द मैच, फार डू प्लेसिस और डेविड वार्नर के बीच में क्या बड़ा अंतर देखने को मिला, इस पर डिटेल में विश्लेषण करेंगे। साथ ही बात करेंगे उन ऑलराउंडर्स की जिसकी ताकत के दम पर चेन्नई लगातार जीत हासिल कर रहा है, वहीं हैदराबाद की हार का सिलसिला नहीं रुक रहा है। पॉइंट टैली में वो सबसे नीचे जा चुके हैं, यानी हैदराबाद को अब क्या इस टूर्नामेंट से बाहर समझा जाए, इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। और साथ ही आज जो दो मुकाबले खेले जाएंगे दिल्ली और अहमदाबाद में, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले निखिल भाई, गाना तो बिल्कुल ठीक चुना है मैंने महेंद्र सिंह धोनी के लिए कि यहाँ के हम सिकंदर जिसको चाहे रख ले अपनी जेब के अंदर। ये तो उनके लिए सिर्फ सीजन नहीं, ये तो पूरा आईपीएल में उनके साथ चलता है। ये 14th सीजन है, सबसे सफल टीम है इन टर्म्स ऑफ, आप देखें 3 बारी ट्रॉफी जीते हैं, पिछले सीजन का आप हटा दीजिए क्योंकि यूएई में होया जा रहा था, उससे पहले हर साल वो क्वालिफाई किए। और मजे की बात ये, उसका फर्क ये है राजीव भाई, अब जब वो एक प्लेयर को पिक करते हैं या एक यंगस्टर को पिक करते हैं ना, तो उसको पूरी तरीके से बैक करते हैं और फिर वो यंगस्टर सोचता है, और वही दुआएं कर रहा था यार महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही खेलना चाहिए क्योंकि जल्दी खिलाएंगे नहीं, खिलाते हैं तो जल्दी ड्रॉप नहीं करते। एक प्लेयर को बिल्कुल उसको ना कंफर्टेबल कर देते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ 20-30 रन बना के अपनी जगह बनाने का नहीं है, तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए कि जिस दिन मेरा बल्ला चले उस दिन मैंने मैच जिताना है, और जब गेंदबाजी करेंगे तो मैंने ऐसी गेंदबाजी करनी है कि मैंने मैच जिताना है। ये फर्क है महेंद्र सिंह धोनी एज ए लीडर और बाकी कप्तान, और ये काम विराट कोहली और रोहित शर्मा भी करते हैं, ये डेविड वार्नर यही फंस गए जी। निखिल भाई, और इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बचपन के दिन याद आते हैं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को लेके, कि शुरुआत में जब हम आप नेट्स पे गए थे तो नेट्स के पीछे खड़ा कर दिया जाता था ये देखने के लिए कि पेशेंस है आपके अंदर कि नहीं, कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि नहीं। अगर लगभग महीने भर के बाद बैट और बॉल टच करने को देते थे कि आप आइए नेट्स पे, आप बॉल डाल लें, या अगर आप बैट्समैन तो बैटिंग कर लें। क्या महेंद्र सिंह धोनी कुछ ऐसे ही पेशेंस टेस्ट करते हैं? और उसका बड़ा एग्जाम्पल है ऋतुराज गायकवाड़, जिनको सीजन 13 में शुरुआत के 10 मैचेस नहीं खिलाए गए, लास्ट में जब उनको 3-4 मैचेस मिले तीनों में अर्धशतक, अब उनके साथ कंसिस्टेंट तौर पे एक फेथ है कप्तान का और वो दिख रहा है जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है दिल्ली के मैदान पर। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, शुरुआत में राजीव भाई वो शेन वॉटसन के साथ चल रहे थे, जब उनका बल्ला नहीं चला, उनका मन बन गया महेंद्र सिंह धोनी का कि अब इनसे नहीं हो पाएगा, इन द सेंस कि अब इनको हमने जाने देना है, इनकी सर्विसेज जितनी थी अब वो हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे, ऋतुराज गायकवाड़ को ले गया क्योंकि उनको बैक कर रहे थे, उनके स्किल लेवल को देख के पूरी तरीके से बैक किया, और उस युवा खिलाड़ी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उसको मौके दिए, शुरुआत के 2-3 मैचेस में नहीं अच्छा किया लेकिन अब वो जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, ऐसा लगता नहीं कि वो किसी किस्म की दिक्कत में, फास्ट बॉलर को इतने आराम से खेलता है, जब वो बैटिंग करता है इतना समय लगता है जब वो खड़े होकर बैटिंग कर रहा होता है, स्पिनर को खेलते हैं इनसाइड आउट बड़े आसानी से, वो चौके बटोर होते हैं बगैर जोखिम उठाए हुए, और एक बैट्समैन को पहचानना हो, उसकी कला को पहचानना हो तो ये देखना बड़ा जरूरी होता है, जब वो थोड़ा सा गियर बदल के बैटिंग कर रहा है तो क्या वाकई वो हड़बड़ाहट में है या बड़ा कंफर्टेबल होके वो अपने एरियाज को टारगेट कर रहा है। और ये ऋतुराज गायकवाड़ का कल उन्होंने एक सुचित को चौका मारा था स्टेप आउट करके, स्टंप्स की गेंद को इनसाइड आउट जमीन पे, सबको जो चौका मारने के लिए एरियल रूट लेते, ये खिलाड़ी जो है डाउन द ग्राउंड आराम से चौके लगा रहा होता है, तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट है, वो युवा खिलाड़ी को आपने बैक किया और अब वो आपको पूरी सर्विसेज दे रहे हैं। और निखिल भाई, एक चीज और जो नजर आई बैटिंग में, क्योंकि मैच मैं भी बड़ा क्लोजली देख रहा था, उनका बहुत शानदार फुटवर्क है, जिस तरह से राशिद खान को उन्होंने पुल किया, आम बड़े से बड़े बैट्समैन की कम से कम T20 फॉर्मेट में हिम्मत नहीं होती कि आप राशिद खान को जाके पुल शॉट खेलें या उनको स्वीप मारने जाएं या बहुत लेट खेलें। दो चीजें नजर आई, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक तो बहुत लेट खेलते हैं वो,
और दूसरा फुटवर्क उनका जबरदस्त है। सुचित का जो आपने जिक्र किया, एक जो उन्होंने कवर्स के ऊपर से मारा, ठीक उसी तरह से सुचित को उन्होंने प्रेशराइज किया कि आप शॉर्ट बॉल डालें, और मिडऑन और मिडविकेट के बीच में दो चौके उन्होंने लगाए। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात थी कि बहुत प्लीजिंग है उनकी बैटिंग देखने में आई स्कोर, और दूसरा बिना छक्का लगाए उन्होंने 75 रन बना दी, बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है T20 फॉर्मेट में। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए राजीव भाई, बहुत जरूरी होता है बतौर बैट्समैन आप कितनी जल्दी गेंदबाज की लंबाई को पिक करें, और वो तभी आप कर पाते हैं जब आप एक बॉलर के हाथ से गेंद को निकलते हुए देखते हैं। अगर आप वो नहीं देखते और सिर्फ स्टंप से मतलब विकेट के बीच में से देखते हैं, वहां लेट हो जाते हैं। एक बैट्समैन की पहचान, अच्छे बैट्समैन की पहचान ये है कि वो बॉलर के हाथ से बॉल को देखे, लंबाई पकड़ लेता है। और बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने सुचित को 3 लगातार चौके मारे थे, उसमें कवर ड्राइव था, पुल था, और फिर उनको पता था कि अगली गेंद कहाँ आएगी, क्योंकि कवर ड्राइव के बाद वो गेंदबाज की एक सोच होती है कि थोड़ी सी लेंथ में कटौती करता था, वो बैकफुट में तैयार थे, उन्होंने हल्का सा टहला दिया चौके के लिए। तो ये पता चलता है कि किस तरीके से एक बैट्समैन जो है एक बॉलर से एक कदम आगे चल रहा है। इसीलिए किसी ने सही कहा है, ये युवा यंगस्टर्स को देख के ना, जो हमारी हमेशा बात याद आती है, जब हौसला गुरु बनाई लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या नापना कद आसमान का, वही हिसाब चल रहा है। बिल्कुल। और निखिल भाई, और एक बड़ा फर्क जो एक और चीज पे एनालिसिस करना है वो ये है, कप्तानी पे हम आगे आएंगे कि फार डू प्लेसिस की बैटिंग हम देख रहे थे सेम पिच पे, क्या उन्होंने टाइमिंग की, और बैटिंग का एक और बड़ा पॉइंट होता है कि आप टाइम कैसे कर रहे हैं बॉल को। डेविड वार्नर का फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे थे, सर पटक रहे वो जमीन पे, आसमान की तरफ देख रहे हैं, बैट उन्होंने एक दो बार छोड़ दिया क्योंकि बॉल टाइम नहीं कर पा रहे थे, क्या ये बड़ा फर्क था? 129 रनों की साझेदारी हमने देखी फार डू प्लेसिस और गायकवाड़ के बीच में, एक शतकीय साझेदारी हमने देखी मनीष पांडे और डेविड वार्नर के बीच में, लेकिन क्या बड़ा फर्क था टाइमिंग का और जिस स्ट्राइक रेट के साथ दोनों पेयर ने बल्लेबाजी की? राजीव भाई, स्ट्राइक रेट का बहुत फर्क है जी, और जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, कल उनका शायद खराब दिन था, उम्मीद करता हूँ हैदराबाद के लिए और हैदराबाद के फैंस के लिए कि वो एक बुरा दिन उनका निकल गया, उन्होंने अर्धशतक लगाया जी। लेकिन आप अगर कैलकुलेट करें, अगर गेम की थोड़ी सी गहराई में जाए, आप मनीष पांडे को वापस लेके आए 2 मैच के बाद, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपकी तरफ से बल्ले से रन निकल नहीं रहे उस यंगस्टर के ऊपर, तो फिर आपने उसके ऊपर डबल प्रेशर डाल दिया जी। और मजे की बात ये, 120 गेंदों का ये फॉर्मेट है, ज्यादा गणित ना भी करें 120 गेंदों का फॉर्मेट है। मनीष पांडे और डेविड वार्नर कप्तान साहब के बीच में 111 गेंदे खेली गई, 111 गेंदे जब आप खेलते हैं ना, तो आपको मैच एक तरफ कर देना चाहिए, इतनी तगड़ी साझेदारी होनी चाहिए। वही काम फैफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ ने किया, जितनी गेंदों उन्होंने अपने बीच में खेली थी, मुकाबला एक तरफ कर दिया। उस सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। मैं समझ सकता हूँ फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं लग रहा है और शॉटें नहीं लग रही, पर थोड़ा भाई कैलकुलेशन, आउट ही हो जाओ। उसका आउट होने का एक कारण मैं ये आपको बताता हूँ, पिछले मुकाबले में हाईएस्ट रन गेटर या इस सीजन में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया इनके लिए, वो केन विलियमसन। केन विलियमसन बेचारा 18वें ओवर में आया बल्लेबाजी करने, 12 गेंदों में 6 गेंदे खेलेगा, 10 गेंदे खेलेगा, 10 गेंदे खेले तभी 26 रन बने, नहीं तो ये इतने रन भी नहीं बनते जी। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे निखिल भाई? एक तो मैंने डेविड वार्नर की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी देख के उनका अंकल सैम नाम रख दिया, क्योंकि वो जिस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं, रटा रटाया फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है, राशिद खान को बॉलिंग नहीं कराना पावर प्ले में, बाद में जब राशिद खान 3 विकेट लेते हैं तो वो कहावत जेन में आ रही थी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो मैच तो खत्म हो गया था, 3 विकेट लेके अब करेंगे क्या, तो कुछ वैसे ही हाल है सभी डेविड वार्नर यानी अंकल सैम का। राजीव भाई, बहुत जरूरी है कि आप जब अपनी 11 चुनते हैं, अपना कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी पिक कर ले और उसको बैक करें। आपने ये बिल्कुल सही कहा, जब चेंजेस ये करते हैं हैदराबाद के लिए, तो मेरे 10 या 12 इन्होंने चेंजेस किए हैं, इनके पूरे जो यूनिट है, पूरी टीम, उसमें से 21 प्लेयर को ये खिला चुके हैं। तो अब क्या हो गया कि वो नहीं, मुरलीधरन और लक्ष्मण खेल सकते हैं क्या, पहला सवाल तो ये। देखिए वो वीवेस लक्ष्मण गौ आदमी है, पर ये फर्क है, जब आप इतने सारे चेंजेस करते रहते हैं तो यंगस्टर्स को एक मतलब एक मैसेज जाने लगता है, अरे यार अगर हम एक मैच में नहीं करेंगे, 2 मैच में नहीं करेंगे तो बाहर बैठना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप अपने प्लेयर्स को एक कॉन्फिडेंस के साथ लेके चले। आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो बच्चे बेचारे आपको यंगस्टर्स कैसे मुकाबला जिताएगा। अब कल गेंदबाजी में
171 दिल्ली का पिच, कड़ाकेदार विकेट है, हम सबको पता है, आराम से बॉल बैट पे आता है, वी में आप खेलते रहिए, रन बनते रहेंगे। राशिद खान को छोड़ के बगैर किसी का अनादर किए हुए आप मुझे बता दीजिए एक गेंदबाज जो आपको लगाओ जो ये विकेट निकाल देगा। जब आपके पास ऐसी गेंदबाजी नहीं है तो बहुत जरूरी है जो टॉस पे आपके अंकल सैम जिनको आप कह रहे हैं डेविड वॉर्नर साहब, अरे भाई जब आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं कल शाम को अभ्यास के दौरान खूब सारी ओस गिरी थी, गेंद गीला होगा, बैटिंग करना आसान होगा, बॉलर के लिए मुश्किल होगा, तो आप क्यों पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं? क्योंकि आप चेस करते समय बतौर टीम, बतौर यूनिट, बतौर कप्तान, बतौर बैट्समैन आप वो दबाव नहीं लेना चाहते कि हम जो भी स्कोर चेन्नई सुपर किंग बनाएगी हम चेस कर सकते हैं, हम एज अ बैटिंग यूनिट हम वो प्रेशर लेने के लिए तैयार है। दुनिया भर में हर टीम अगर एक जैसा विकेट रहता ना राजीव भाई, सब टीमें जो है वो चेस करना पसंद करती है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है आप फेरबदल कर सकते हैं, आप किसी को पिंच हिटर भेज सकते हैं, और 120 गेंदे को फॉर्मेट में कोई टीम ऑल आउट नहीं होती, तो ये साफ तौर से पता चल रहा था कि वो गेम को रीड नहीं कर पाए, और एज अ बैटिंग यूनिट हैदराबाद वो प्रेशर नहीं लेना चाह रही थी कि हम जो है ये स्कोर को चेस कर सके। इस बॉलिंग के साथ आपको डिफेंड करना है तो बतौर बैटिंग यूनिट आपको 200 के करीब बनाना है, क्योंकि फिर वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर है जो बॉलर्स को और असरदार साबित कर सकता है। बिल्कुल निखिल भाई, आज का सबसे बड़ा सवाल, और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीच बीच टूर्नामेंट में कप्तान बदल देना चाहिए? केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के लिए कप्तानी करते हैं और बहुत शानदार क्रिकेटिंग ब्रेन माना जाता है, जो काम कोलकाता कर सकता है यूएई में तो क्यों नहीं हैदराबाद कर सकता? आपकी तो लक्ष्मण भाई से बात होती है, दीजिए उनको संदेश आए कि ये बड़ा स्टेप उठाए। देखिए सोचा जा सकता है जरूर, लेकिन गर्मी बढ़ रही है राजीव भाई, कई बार हैमस्ट्रिंग भी खिंच जाता है जी। हाँ ये होता है, और हमने देखा है कि निगल है बताया गया केन विलियमसन को शुरुआती मैचेस में, करेक्ट, तो ये भी हो सकता है। क्या ये मौका विलियमसन को दिया जाए कि वो भी बताए कि हाँ वार्नर के निगल है इसलिए नहीं खेल रहे? देखिए सोचा जा सकता है, बट अच्छे प्लेयर हैं, खराब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना एक आईपीएल के पूरे सीजन में आप जो 14 मैचेस खेलते हैं तो हर मुकाबले का ना एक बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, तो आपको निर्णय लेना है, जल्दी निर्णय लेना है, और जैसे मैंने पहले कहा हैदराबाद और उनके फैंस के लिए उम्मीद करता हूँ कि डेविड वॉर्नर का बल्ला डेविड वॉर्नर की तरह ही बोलने लग जाए, वो बहुत जरूरी, नहीं तो आप देखिए जॉनी बेस्टो खड़े होते हैं वो स्ट्राइक रेट 150-170 का रहता है जब 25-30 रन बनाते हैं, केन विलियमसन अपना चौके ही बटोरते रहते हैं पर उनका स्ट्राइक रेट देखिए वो भी 170 के करीब हो जाता है, आपको उस तरीके से एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलना जरूरी है, नहीं तो इस पेस पे चलते रहेंगे तो आप मुकाबले कैसे जिताएंगे? तो क्या कहेंगे इस मैच के एनालिसिस यानी लब्बो लुबाब निकाले निखिल भाई, तो चेन्नई मस्त और ये हैदराबाद पस्त, यही कह सकते हैं अभी तो। एक तरफ पॉइंट टैली में टॉप पर है महेंद्र सिंह धोनी, और जिस तरह से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं, वो ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें जो आती हैं बड़ा मजेदार होती है वो देखना। एक तरफ शक्ल हम देखते हैं डेविड वॉर्नर की जो इंस्टाग्राम पे कभी अमिताभ बच्चन बनते हैं, कभी अजय देवगन बन जाते हैं, कभी अक्षय कुमार बन जाते हैं, लेकिन वो सही मानों में डेविड वॉर्नर ही रहे तो अच्छा है हैदराबाद के लिए जो नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी है, बहुत कूल काम, उनको बैटिंग की बहुत जल्दी नहीं है, वो रविंद्र जडेजा को प्रमोट कर रहे हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, और 10 पॉइंट बहुत बड़ी बात है निखिल भाई कि 6 मैचों में 10 पॉइंट, वो टीम जो 7वें नंबर पे रही हो यूएई में वो टीम आज टॉप पे खेल रही है, ये दर्शाता है कि कितना जल्दी सीखा है चेन्नई सुपर किंग ने अपनी गलतियों से। देखिये महेंद्र सिंह धोनी की आपने बात की, वो कब रिलैक्स नहीं नजर आते, वो हमेशा रिलैक्स नजर आते, लास्ट ईयर भी वो जब टीम अच्छा भी नहीं कर रहे थे तब भी वो रिलैक्स करते हैं उनको। अगर निखिल भाई एक छोटे सा आपको इसलिए रोक रहा हूँ, एक बात ध्यान में आ गई, आप जो क्रिकेट आपने शुरू की थी आपने पोनी टेल रखी हुई थी, मुझे याद है जब आप ऑस्पिन डालते थे कुछ वैसी ही पोनी टेल नजर आ रही हल्की सी महेंद्र सिंह धोनी की, और साल 2005 के महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक हमें देखने को मिल रही है जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने वाइजेक में ना बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी और महेंद्र सिंह धोनी का उदय हमने देखा था, तब मैं वो मैच कवर कर रहा था इत्तेफाक से, और पहला इंटरव्यू करने का मौका भी मुझे मिला था टेलीविजन हिस्ट्री का। अब मैं वही महेंद्र सिंह धोनी देख रहा हूँ, वही बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, वही पोनी टेल, क्या दोबारा से कहते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी का पुनर्जन्म हम देख रहे हैं 2014 में? देखिए वो एक
मस्त मौला खिलाड़ी है, जैसे मैंने कहा वो हमेशा शांत रहते हैं। और मजे की बात ये, अगर आप उनको बहुत करीब से देखें ना, उन्होंने अपने जीवन का मुझे लगता है कि फॉर्मेट बना लिया है कि मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता भाई। जी, रिजल्ट जीवन बहुत में आप बड़ी बात कंट्रोल है जी। रिजल्ट को आप कंट्रोल करने चले जाएंगे तो आपको हमेशा वो फ्रस्ट्रेशन रहेगी, हताश रहेंगे आप में, वो छटपटाहट रहेगी। महेंद्र सिंह धोनी अपनी पूरी टीम में वो कामनेस इसलिए डालते हैं, वो कहते हैं भाई जो प्रोसेस है ना, आप सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट होता है वो रिजल्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। आप, कोई आदमी रिजल्ट को नहीं कंट्रोल कर सकता, और ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी की वजह से वो इतने काम रहते हैं, उनके जितने भी खिलाड़ी है काम रहते हैं, कब उन्होंने किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है, हर एक प्लेयर के खिलाफ उन्होंने एक योजना बनाई होती है। अपने बॉलर को बोलते हैं इस बल्लेबाज के खिलाफ आप गेंदबाजी कर रहे हैं, इसके खिलाफ यहाँ पे ये योजना है, ये फील्ड है, आपको बस वो योजना अमल करने की कोशिश करनी है, बाकी बैट्समैन आपको अपना काम खुद करके चला जाएगा। तो उसकी वजह से वो बड़ा शांत रहते हैं, और इसीलिए मैं उनको एक बहुत बढ़िया कप्तान मानता हूँ। और आप उनको कभी देखिए, मजे की बात, हर टीम को आप करीब से देखेंगे ना, राजीव भाई पहले 6 ओवर में वो 3 गेंदबाज इस्तेमाल करेंगे, 4 गेंदबाज कराएंगे, कल सैम करन और दीपक चहर से उन्होंने 6 ओवर करा दिए, जी तो वो गेम की सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। बिल्कुल। और सैम करन का मुझे लग रहा है जितना बेहतर इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इतना बेहतर तो इंग्लैंड भी नहीं कर पाया। आपको लग रहा है कि नागरिकता बदल लेनी चाहिए सैम करन की? उनको हीरो बना देता पिछले सीजन है। सैम करन बिल्कुल हीरो बन जाएगा, बिकॉज जी उस खिलाड़ी में जो चमक और जो उसका प्रतिभा है, प्रतिभा को न्याय देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से निखिल भाई, बल्लेबाजी चेन्नई की को, नागरिकता तो नहीं दिला रहे हम सैम करन को मुझे भी लग रहा जी मुझे लग रहा है कब गेंदबाजी करानी है, कब बल्लेबाजी करानी है, उस प्लेयर से उसका बेस्ट कब निकालना है, बहुत बड़ा हीरो निकल जाएगा। और साथ में मोइन अली को बहुत बड़ा हीरो निकल जाएंगे। प्लेयर बहुत बिल्कुल शानदार है, लेकिन आप प्लेयर, आप जैसे कहते हैं ना, जब आप ताश खेल रहे हैं तो हुकुम का इक्का लेके जेब में रखें, भाई जी हुकुम का इक्का तो सही समय पे इस्तेमाल करेंगे, तभी तो एक वो हाथ आपके पास आता है, नहीं तो जी बाजी हार जाओगे, कहोगे अरे यार मेरे पास तो हुकुम का इक्का था। बहुत सी टीमों के साथ ये होता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी सही समय पे उनका इस्तेमाल करते हैं। रवीन जडेजा ने बड़ा फर्क डाल दिया है, आपको लग रहा है निखिल भाई? जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं और जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर वही आ जाती है कि इक्का आपके पास है तो आप इस्तेमाल उसको सही तरीके से करें। अब बैटिंग ऑर्डर में मैं देख रहा हूँ जिस तरह के शफल कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी और रवीन जडेजा का, जिस तरह यूज कर रहे हैं, दो बड़ी चीजें हैं, उसके बाद हम आज के मैच पे आ जाएंगे निखिल भाई। एक तो ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं और सही टीम पिक कर रहे हैं। कल फिर हमने देखा इमरान ताहिर और ब्रावो को ड्रॉप करके लुंगी को ले आए, और उसके अलावा मोइन अली को फिर से ले आए, उनको पता था कि बैटिंग थोड़ी मजबूत करनी है। फिर इसके अलावा लेफ्ट हैंडर्स बड़े ढेर सारे हैं, अगर हम बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में जाएं, मोइन अली, फिर सुरेश रैना, फिर सैम करन, और उनको जिस तरह से इस्तेमाल करना, और रवीन जडेजा एक और नाम, कैसे आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंडर्स की बहुतायत और ऑलराउंडर्स का जिस तरह से इस्तेमाल धोनी कर रहे हैं? देखिए, लेफ्ट हैंडर्स बीच में होने से आपकी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन चलती रहती है, तो वो बॉलर के लिए एक परेशानी का सबब रहता है, एक बहुत बड़ा कारण वो भी रहता है। मजे की बात ये, और मैं मानता हूँ रविंद्र जडेजा की आपने जो बात की, ये सीजन उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, प्लेयर तो वो चैंपियन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सीजन उनकी प्योर तरीके से चमक दिख रही है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, फील्ड में वो कहते हैं ना गोली, जैसे जॉन्टी रोड्स ने अपना नाम बना लिया था, उनकी तरफ गेंद जाती थी 30 यार्ड के दायरे के अंदर, तो कोई दौड़ता नहीं था, बस बिल्कुल उसी तरीके का एक रेपुटेशन बना लिया है रविंद्र जडेजा ने भी, कि जब शुरुआत में 6 ओवर में 30 यार्ड के दायरे के अंदर जहां खड़े होते हैं वहां पे अगर गेंद जाती है तो कोई भागता नहीं, कोई जोखिम उठाता नहीं है, जी तो बहुत बढ़िया। अब सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो आने वाले मैचेस में मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी उनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहेंगे, वो है अंबाटी रायडू। बाकी सब जी बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं हर मुकाबले में योगदान दिया है, थोड़े कॉन्फिडेंट है। अंबाटी रायडू इस सीजन थोड़े उतने रन नहीं बने जितने वो काबिल है, वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, उस तरीके के वो अभी कोई मुकाबला निकला नहीं, वो निकला है तो आपके सारे बल्लेबाजों ने रन बना दिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत तो हमने एक टीम जो टॉप पर है उसके बारे में की, और एक टीम जो है एकदम नीचे है पॉइंट्स टैली में उसके बारे में भी की। अब हम बात कर लेते हैं, आज दो ऐसी टीमें मैदान पर आमने सामने होंगी दिल्ली के ही मैदान पर जो बीच में फंसी हुई है, तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की बात करें, चार चार पॉइंट है
मुंबई 5 बार की चैंपियन टीम है, और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल सीजन 1 जब हुआ था शेन वॉन की कप्तानी में, तब राजस्थान रॉयल्स ने मैच जीता था, उसके बाद से एक लंबा सूखा राजस्थान रॉयल्स के साथ चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो रेगिस्तान में हम अक्सर कहते हैं ना कि पानी की बूंद तलाशते रहते हैं लोग, तो कुछ वैसे ही राजस्थान रॉयल्स के साथ है। हर साल कॉम्बिनेशन आजमाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश, लेकिन हर बार वो ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली जो कहावत है वो राजस्थान रॉयल्स में फिट बैठती है। और इन दिनों निखिल भाई जब से आईपीएल शुरू हुआ दोहे और कहावत बहुत याद आते हैं और फिल्मों के डायलॉग और गाने, तो ये एक बड़ा मजेदार चीज हो जाती है, और खासतौर से जब हम खेल नीति पे बात करते हैं तो ये चीजें अचानक निकल के आती हैं सामने। क्या राजस्थान के लिए भी कुछ चिराग हाथ लगेगा, रगड़ेंगे, कोई जिन आएगा जो उनको वापस ट्रैक पे ले आएगा? पॉइंट्स में तो बराबर है मुंबई इंडियंस के साथ, लेकिन हमेशा जब दो टीमें आमने सामने होती हैं तो सक्सेस रेट हमेशा मुंबई टीम्स का हावी नजर आता है। राजीव भाई, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मुंबई का जो कोर टीम है ना वो बड़ी सेटल टीम, रोहित शर्मा एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, वो खड़े होते हैं तो मैच अकेले जिताते हैं, 5 दफा ट्रॉफी वो इसलिए जीत चुके हैं क्योंकि वो भी, उनका दिमाग महेंद्र सिंह धोनी की तरह चलता है, वो ये कंप्यूटर एनालिसिस की ज्यादा सुनते नहीं है, वो गेम की सिचुएशन को अंदर रीड करते हैं और उसके हिसाब से अपनी गेंदबाजी का जो क्रम है उसका बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। बल्लेबाजी अभी तो वो बड़े खुश होंगे कि चेन्नई से बाहर निकल के दिल्ली आ रहे हैं, वो पोलार्ड ने अपने डोले ओले जो है ना वो खूब तेल वेल लगा लिया होगा कि अब इनको इस्तेमाल करेंगे हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये विकेट बहुत बढ़िया है, ये मुंबई की बाउंड्री छोटी जो निखिल भाई आप जिक्र करते हैं अक्सर कि शेप में अगर आप डेली मैच मारते हैं जी सामने सारे आप हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, आप किरण पोलार्ड, ये सारे जो है ना जो, लेकिन मुंबई के पास तो निखिल भाई और बैट्समैन है जो पीछे वाले वी में भी अच्छा खेलते हैं, जैसे कि सूर्य कुमार यादव आ गए उनके पास, ईशान किशन आ गए, वो सामने वी पे तो खेलते हैं, पीछे वाले वी पे भी अच्छा खेलते हैं। पीछे वाले वी में भी जी बिल्कुल, और रोहित शर्मा तो इनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है ना बहुत सेटल्ड है। अब राजस्थान रॉयल्स यही सोच रहा होगा कि अच्छी विकेट पे इनको हराने के लिए राजीव भाई उनको अच्छे से भी अच्छा खेलना पड़ेगा, उसमें क्या है कि जॉस बटलर, संजू सैमसन, उनको कोई अद्भुत पारियां खेलनी पड़ेंगी, किसी को मतलब एक बढ़िया स्पेल डालना पड़ेगा 3-4 विकेट चटकाने का, नहीं तो अगर आप एक एवरेज गेम लेके चलते हैं ना मैन टू मैन, मुंबई की टीम जो है वो कहीं बेहतर है। संजू सैमसन ने 100 जरूर बनाया था वांखड़े में, बट 100 बनाने का मतलब है मैच जीते नहीं थे। दिल्ली में अब उनको ऐसी पारी खेलनी होगी कि दबाव बना के रखे, क्योंकि वो दबाव बना के रखेंगे बॉलर को तो फिर उनके साथ जो बैटिंग कर रहा है उसको भी फायदा होगा। तो इनके पास जो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर है राजस्थान के पास, मैं मानता हूँ थोड़े से कम है इन कंपेरिजन टू मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस के कप्तान भी शातिर है जी। लेकिन इसमें निखिल भाई जो परेशानी मुंबई इंडियंस के सामने आई है, मैं भी थोड़ा रिसर्च देख रहा था, जो अंतिम 5 ओवर खेले जाते हैं या आप टारगेट रख रहे हैं या टारगेट चेस कर रहे हैं, वहां पे 7.45 का रन रेट रहा है मुंबई का, यानी कि इसका साफ संकेत यह है कि हार्दिक का बल्ला नहीं चला, कुरनाल का बल्ला नहीं चला और पोलार्ड अप टू द पोटेंशियल नहीं खेल पाए, ये मुंबई के लिए परेशानी का सबब है। और सेम अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो आखिर 5 ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाली टीम है वो, 11.51 के औसत से रन लुटाए, ये अजीब सा कॉम्बिनेशन है आज के मैच में। देखिए ये अजीब सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपने ना बहुत बढ़िया अंदर की बात निकाल के रख दी जी। मुंबई इंडियंस की जो एवरेज आखिरी 5 ओवर में जो स्कोरिंग एवरेज है वो कम इसलिए थी क्योंकि वो चेन्नई में खेल रहे थे, बॉल बैट पे आ नहीं रहा था, शॉट मारने में दिक्कत चल रही थी, और वहां पे राजस्थान रॉयल्स डेथ ओवर में गेंदबाजी सही नहीं हो रही थी। तो आप समझ लीजिए कि आपने एक क्लू दे दिया, शाम को जब बैठ के मैच देखेंगे ना दोपहर में कि दिल्ली की वाली विकेट पे वो बढ़िया बैटिंग विकेट है, ये सारे लोग लाइन से तैयार होंगे कि सामने छक्के मारने के लिए। तो अब मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो चेन्नई से निकल के खुश होंगी क्योंकि वो 22 गज की पिच बदल जाती है ना तो पूरा गेम बदल जाता है जी बिल्कुल। लेकिन निखिल भाई आपको लग रहा है दो कप्तानों के बीच में जंग है क्योंकि दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं और बाकी की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है मुंबई की, ये तो मानना पड़ेगा, वो भले ही बहुत बड़ी टीम है बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में। सेम वही बात राजस्थान रॉयल्स के लिए है कि बटलर अगर रन नहीं बनाते, संजू सैमसन रन नहीं बनाते तो टीम स्ट्रगल कर रही है। अब मैं दोनों टीमों के अगर कप्तानों की कंपेरिजन करूँ, 201 रन बनाए रोहित शर्मा ने अभी तक और 187 रन संजू सैमसन ने, यानी दो बड़े मैच विनर्स हैं अपनी अपनी टीमों के। हालांकि कंपेयर आप रोहित से नहीं कर सकते संजू सैमसन को, बट क्योंकि वो कप्तान है तो एज अ कैप्टन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप दिल्ली में कुछ अलग लेके आए। अब क्या थाली में रोहित शर्मा के अलग होगा और संजू सैमसन के अलग, ये आप ही बता सकते हैं।
राजीव भाई फर्क ये है, रोहित शर्मा ने जो रन बनाए वो मुश्किल कंडीशंस में बनाए, मुश्किल पिच पे बनाए, चेन्नई में 187 रन जो आप कह रहे हैं संजू सैमसन ने जो बनाए वो मुंबई के वांखड़े में काकेदार विकेट पे बनाया 187 में से 100, और जो उसमें टीम जीत नहीं पाए, बाकी के मुकाबलों में जितने खेले हैं उसमें टोटल वो 87 रन, तो उनकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो थोड़ी सी डामाडोल चल रही है। और राजस्थान रॉयल्स अच्छी विकेट पे खेल के आ रहे हैं और वो पॉइंट्स नहीं ले पाए जितने वो लेने चाहिए थे, जितने मुकाबले होते। मध्य क्रम में राजस्थान रॉयल्स के लिए दिक्कत ये, शिवम दुबे नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, रेहान पराग जो एक और युवा खिलाड़ी है वो नहीं कुछ कर पा रहे, और दूसरी तरफ मुंबई मुश्किल कंडीशंस में जो जानी जाती है बैटिंग के लिए वहां पे वो 4 अंक लेके आ रहे हैं दो मुकाबले में, मैं कहता हूँ 2 मुकाबले वो जीत के आए। यहां से मुंबई इंडियंस की गाड़ी जो है मुझे नजर आ रही है कि पटरी पे चढ़ेगी। आज क्या होता है अगर राजस्थान रॉयल बटलर या संजू सैमसन अलग कुछ कारनामा कर लेते हैं अलग बात है, लेकिन मुंबई इंडियंस बेहतर विकेट पे एक खतरनाक टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब वो रोहित अपने गेंदबाजों को यूज करते हैं, जिस तरीके की उनकी बैटिंग है, एक वो अलग ही अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल, जो आपने टीम कॉम्बिनेशन की बात की निखिल भाई, थोड़ा सा आप चेंजेस देख रहे हैं मुंबई इंडियंस की स्ट्रेटजी में? क्रिस लिन को लाया जा सकता है, क्विंटन डिकॉक की जगह ईशान किशन से कीपिंग करा लें, क्योंकि ये क्रिस लिन ने पहले ही मैच में अर्शद की पारी खेली, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले में जाने के चक्कर में आप एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन को बाहर बिठा रहे हैं। दूसरा क्रिस जो ट्रेंट बोल्ट हैं और बुमराह की जोड़ी तो बहुत अच्छा कर रही है, आपको लग रहा है थोड़े से इसमें चेंजेस की जरूरत और है? एक एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिलाना चाहेंगे या एक्स्ट्रा सीमर? जयंत यादव और राहुल चहर खेल रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल, थोड़े चेंजेस करेगी मुंबई क्योंकि परिस्थितियां और पिच बदल रही है जैसा कि आपने कहा? मेरे ख्याल में जयंत यादव यहाँ फिरोजशाह कोटला में बाहर बैठ सकते हैं। एक सीमर लाएंगे आप अंदर? हाँ, क्वाइट पॉसिबल, और क्योंकि शाम को ना ओस भी होती है। जी जी, अगर शाम को ओस के लिए तो आप एक और तेज गेंदबाज खिला सकते हैं। और रही बात हम जो चर्चा कर रहे थे कि भाई जो कॉम्बिनेशन है क्विंटन डिकॉक, मैं को लगता है कि रोहित एक मौका उनको अच्छी विकेट पे देंगे जी, क्योंकि वो मैच विनर है, उनके कॉम्बिनेशन में वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। क्रिस लिन रन बना के बैठे हुए, क्रिस लिन को रोहित शर्मा को रन आउट कराया तो मुझे लग रहा है उसका बदला लिया जा रहा है। आपको याद होगा पहले मैच में रोहित रन आउट, कप्तान साहब को आप रन आउट कराते हैं तो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। निखिल भाई कहानी याद आ रही, मैं सोच रहा हूँ आपको शेयर कर दूं, शायद श्रीलंका दौरे पे हमारे यूपी के ऑफ स्पिनर थे गोपाल शर्मा जी, आप जानते हैं बहुत जबरदस्त गेंदबाज थे, सनी भाई के साथ शायद बैटिंग कर रहे थे और सनी भाई ने एक ड्राइव मारा मिड ऑफ पे और रन के लिए भागे और गोपाल भाई ने शायद वेट कर दिया था उस समय, तो 4 विकेट लेने के बाद भी वो कभी वापस नहीं आ पाए टीम में। तो ये कप्तान को रन आउट कराने का जो असर है वो एक बड़ा एग्जांपल हमेशा ज़हन में रहता है। नहीं मैं मानता हूँ, हाँ, क्रिस लिन रन बनाने के बाद भी राजीव भाई यही सोच रहे होंगे कि जब मौका दिया जाएगा तो जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक के साथ सब्र दिखा रहे हैं उनके साथ भी वही होगा। क्विंटन डिकॉक क्योंकि चेन्नई में खेल रहे थे, दक्षिण अफ्रीका मूल के प्लेयर है, बॉल बैट पे इतनी तेजी से आ नहीं रहा था, चेन्नई में बैटिंग करना मुश्किल था, तो मुझे लगता है कि वो दिल्ली में उनको चांस देना चाहिए अच्छी विकेट पे, क्योंकि वो एक ऐसा बल्लेबाज है वो भी खड़े होते हैं तो मुकाबला आपको एक तरफ करके जिता देंगे। जी, तो ये मुझे लगता है कॉम्बिनेशन एज पर स्ट्रेटजी और खेल नीति यही रहेगी कि शायद जयंत यादव को बाहर बिठा के आप उसके चलते एक और तेज गेंदबाज खिला। तो चलिए अरुण जेटली स्टेडियम से अब हम सीधे नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको लिए चलते हैं, जहां पे आज आईपीएल सीजन 14 का 25वां मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, बड़ा मुकाबला और मेरी निगाहें तो अमित मिश्रा पे होगी, लसित मलिंगा से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें, ये एक बड़ा मूवमेंट होगा इंडियन क्रिकेट के लिए। और साथ ही बात करें अगर इस मुकाबले की तो दिल्ली की टीम चाहेगी कि वो 2 पॉइंट हासिल करे और टॉप 2 टीमों में वो पहुंच जाए, 8 अंक है उनके पास, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 4 अंक है। निखिल भाई कोलकाता के लिए क्या कहेंगे, रसगुल्ला ऐसा लग रहा है कि नींबू के उसमें डाल दिया जा रहा है, हर बार खट्टा ही निकल रहा है, मीठा कैसे होगा इनका छेने का रसगुल्ला? देखिए रसगुल्ला बनाने के लिए जो तो शुगर सिरप तो डालिए, वही उनका भी वही हाल है, जो दूध फाड़ दे रहे हैं रसगुल्ला बन नहीं रहा है, लेकिन उसका यही कारण है जो डेविड वॉर्नर हैदराबाद के लिए कर रहे थे वो कप्तान मॉर्गन साहब भी इधर उनके लिए चल रहा है, आपके पास वही वाली बात थी
तुरुप का इक्का मेरे पास है, हुकुम का इक्का मेरे पास है, आंड्रे रसल उनको गेंदें मिल रही है 6 7 8, कहाँ से जीतेंगे भैया। तो जी आपको अपने कॉम्बिनेशन प्लस कप्तान का रन बनाना वो बहुत जरूरी है, और बतौर सलामी बल्लेबाज आपको ये देखना है कि पावर प्ले का मैं कैसे इस्तेमाल करूं और कैसे अपने स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील करूं, पर वो स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा, पावर प्ले में विकेट गिर जाती है, तो फिर आप 2 ओवर जाया कर देते हैं सिर्फ आप एक छोटी सी पार्टनरशिप बनाने के लिए। जी तो बहुत जरूरी है कि पावर प्ले तो अच्छी तरीके से खेले। बिल्कुल, दिल्ली की ताकत की अगर हम बात करें निखिल भाई, पृथ्वी शॉ और शिखर ज्यादातर मैचों में अच्छा कर रहे हैं। हेटमायर ने पिछले मैच में दिखाया कि कितनी लंबी हिट्स मार सकते हैं। ऋषभ पंत जरूर क्रिटिसाइज हुए थे अपनी धीमी बल्लेबाजी के लिए, कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पे लिखा कि बहुत अच्छी टेस्ट इनिंग देख ली, हालांकि मैच बड़ा क्लोज गया, एक एक रन से हारे। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 250 से ज्यादा रन बना के बल्लेबाज क्रीज पे हो और मैच हार जाए, वो टीम नॉट आउट जाए दोनों बैट्समैन। क्या ये कप्तान के जहन में होगा या भूल चुके होंगे ऋषभ पंत, और नया स्टार्ट एक अहमदाबाद में देखने को मिलेगा? नहीं, उम्मीद करता हूं कि भूल चुका होगा जी कि भाई मैं अपनी तरह से, मुझे पता मैं कैसे गेम कंट्रोल कर रहा हूँ, दुनिया जो बोलती है जी बोलते रहे, उसमें ऋषभ पंत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस समय पे इसलिए संभल के बैटिंग कर रहे थे कि गेम को वो डीप लेके जाए, क्योंकि जी उनके गुरु जो है ना वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो जी गेम को डीप लेके जाना चाहते हैं ताकि जो दबाव उनके ऊपर है वो दबाव गेंदबाज के ऊपर भी हो, और लगभग जी मुकाबला जीत ही चुके थे। पर मुझे लगता है राजीव भाई एक चेंज मुझे नजर आ रहा है या उनको करना भी चाहिए कि स्मिथ की जगह नोकिया को खिला लें, क्योंकि उस विकेट में गति है, उस विकेट में उछाल है, कगिसो रबाडा स्टोइनिस को और भी ड्रॉप करा जा सकता है, स्टोइनिस, या आपको लग रहा है स्टोइनिस है? स्टॉइनिस बल्लेबाजी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एक आधा ओवर डालने के लिए हो सकता है स्मिथ, अच्छा क्योंकि अच्छी विकेट पे स्मिथ आपको ऐसा कुछ करके नहीं दे रहे, पर जो असरदार जोड़ी है रबाडा और नोकिया, अब आप ये सोच लीजिए कि 48 गेंदे, और साथ एक में सौ आवेश खान। पैंतालीस एक सौ हाँ और 145 की गति से आ रही हो, तो वो फिर दबाव बना के रखता है दोनों जी छोर से, तो वो एक कॉम्बिनेशन मैं मानता हूँ जो लास्ट ईयर बड़ी जी असरदार साबित हुई थी, उस कॉम्बिनेशन को दोबारा खिलाया जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आखिरी सवाल निखिल भाई, क्योंकि आपने ऐसे करके एक इशारा किया था तो मैं दोबारा उसी इशारे पे आ रहा हूँ। आंद्रे रसेल बहुत बार ऐसे करते हैं, लेकिन अब मेरे जहन में सवाल है कि कब तक होते रहेंगे फेल हमारे आंद्रे रसेल, अब ये आप बता दें, क्योंकि लगातार कोलकाता के लिए एक तरह से कहा जाए वो बोझ बन चुके हैं इस समय, ना तो रन बन रहे हैं। एक आध बार उन्होंने अच्छा स्पेल जरूर डाला है, 4 विकेट भी ले गए थे, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग कोलकाता की जान है, और ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन ही नहीं है कोलकाता के पास, की कोई आंद्रे रसेल नहीं चल रहा देखिए राजीव भाई मैं मानता हूं उनको आप इस्तेमाल ठीक नहीं, है। जी जिस तरीके के वो एक प्लेयर से बेस्ट निकालने के लिए ना कप्तान सपोर्ट स्टाफ का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है, जी उसको कैसे वो आप निभाते हैं, वो है मैन मैनेजमेंट। आपने अपने एक्स फैक्टर प्लेयर को खुश रखना है, आप उनसे पूछिए आपको कितनी गेंदें चाहिए, वो बेचारा बोल बोल के थक गया, अरे भाई मैं इंसान हूं, मैं 10 बॉल में हर बारी 50 नहीं बना सकता, जी उनको इस्तेमाल है, वो बैटिंग ही नहीं कर पा रहा, वो बैटिंग ही नहीं कर पा रहा, तो आपने एक आदमी को जो वो अपना बेस्ट देना चाहता उसके अंदर से वो एलिमेंट ही निकाल दिया, तो वो बेचारा मुकाबले कैसे जी जिताएगा मायूस होके। आपको लग रहा है आप आजकल जो बात चली प्लाज्मा ही निकाल लिया है? अपना जी बेस्ट तभी दे सकते हैं जब आदमी जो है ना वो खुश रहता है, वो अपने क्रिएटिव बेस्ट पे या अपना बेस्ट तभी दे पाता है जब आदमी खुश रहता है। अरे 10 ओवर होते ही मान आप उनको बोले चाहे जो आउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, आंड्रे रसल को कोई फर्क नहीं जी पड़ता, 10वें ओवर के बाद विकेट गिरेगी तो सबसे पहले आंड्रे रसल अंदर जाए, जी सीधी बात बॉटम लाइन। और अगर आप 12 ओवर तक खेल रहे हैं अंदर वाले बैट्समैन के पास ये एक पक्का मैसेज होना चाहिए कि भाई बाहर आंड्रे रसल बैठा है, अब आप किसी एक बॉलर को टारगेट कीजिए, उस जी हिसाब से बैटिंग करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, इसी निखिल भाई ने जो आपको संदेश दिया कोलकाता नाइट राइडर्स, उसी बात पे कर लेते हैं कि जश्न मनाने का मौका तभी आपको मिलेगा रात में अगर आप सुनेंगे निखिल भाई की बात। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका हमारे साथ खेल नीति में जुड़ने के लिए, और हमारे जो तमाम श्रोता हैं दर्शक हैं उनसे भी गुजारिश है, निवेदन है कि वो हमारे साथ खेल नीति के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रोज सुबह 9:15 पर। इसके अलावा IVM यूट्यूब चैनल और IVM फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा
आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे @RajivMish पे सीधे सवाल भेज सकते हैं, और khelniti@gmail.com पे अपने सवाल भी जरूर भेज सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल हमारे लिए बिल्कुल जरूरी होंगे, क्योंकि आपके व्यूज हमारे तक पहुंचे इस बात की भी हम सब उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा आप सुन सकते हैं खेल नीति का हर एपिसोड गाना पे, और गाना पे अगर आप नहीं है तो फिर आप स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य iumpodcast.com पे हमारी खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।